Jana Chalo, what is the content or what is the storyline of this movie and the assemblance of the star cast you have taken on? Sir, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, दास से देव की रिवर्स जर्नी है, तो अगर दास का मतलब अधीन स्लेव मतलब हुआ, मतलब अपनी आदतों का, जैसे देव जो ओरिजिनल शरदचंद के उपन्यास में है वो अधीन है अपनी आदतों का, तो ये एक रिवर्स जर्नी है। देव से दास की जर्नी थी ओरिजिनल शरद बाबू की कहानी, मेरी कहानी है दास से देव की जर्नी। तो एक आदमी कैसे अपनी आदतों से और जो सत्ता से जो एक जो लत होती है उसकी, जो एडिक्शन होता है सत्ता का, उससे कैसे निजात पाता है, पारो कैसे निजात पाती है। तो पारो और देव इसमें पॉलिटिकल राइवल्स हैं और कहानी जो है वो चांदनी यानी चंद्रमुखी सुना रही है, जो एक मैनिपुलेटर है, जो आपको दिखती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, जो बिजनेस और पावर पॉलिटिक्स की डील्स फिक्स करती है, ऐसी एक लड़की चांदनी है जो आपको कहानी सुना रही है देव और पारो की, जो पॉलिटिकल राइवल्स बन जाते हैं और कैसे देव जो है वो पारो की मदद करता है, कैसे वो जो एक जर्नी है आज़ाद होने की। तो एक गाना है स्वानंद ने लिखा है, गाया है स्वानंद ने, आज़ाद कर हम थे कहाँ ना याद कर, तो वो एक तरह से थीम है फिल्म का और वो एक इस तरह की कहानी है जिसमें राहुल भट्ट है, ऋचा चड्ढा है, अदिति राव हैदरी है। मुझे ऋचा लगा कि पारो जनरली एक बड़ी डेम्योर सी, कॉय सी, एक बहुत शर्माती लजाती सी, खूबसूरत, बहुत टच मी नॉट नुमा एक पात्र हमेशा उस तरह से दर्शाया गया। तो मुझे लगा ऋचा जो एक अर्धी आज की देसी अपने ख्याल आज की लड़की, वो पारो बने तो बहुत अच्छा होगा, और जो एक चांदनी है, जो चंद्रमुखी है, वो उसमें अदिति की खूबसूरती हो, उसकी सॉफ्टनेस हो, लेकिन एक मैनिपुलेटिव भी है, वो फिक्स भी कर रही है, वो पूरा खेल जो चल रहा है इस फिल्म में वो उसी की वजह से है। तो मुझे अदिति इंटरेस्टिंग लगी थी, राहुल मुझे अगली में दिखा था, बहुत अच्छा एक्टर है अनुराग कश्यप से, अमेजिंग जर्नी है, कश्मीर से लड़का है और कहाँ पहुँचा, तो वो मुझे उसका पैशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि वो 5-6 साल तक गायब हो गया था सिनेमा से कि बुरे रोल नहीं करूँगा, तो उस तरह का पैशन मुझे राहुल भट्ट में बहुत लगा। सौरभ शुक्ला के बगैर मैं फिल्म बना नहीं सकता, और वो सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ऑलमोस्ट फिल्म का, जो सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, जो लत जो है पावर की, जो एडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एंटेगनिस्ट है, जो विलेन एक तरह से जो फिल्म का है, वो सौरभ शुक्ला है। साथ में विपिन शर्मा है, मुक्काबाज का विनीत सिंह स्पेशल अपीयरेंस में, अनुराग कश्यप दो सीन कर रहा है, कमाल के का एंसेंबल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एक्साइटिंग सी फिल्म है, थ्रिलर है, जिसका रोमांटिक की मतलब आड़े इश्क के अब पावर जो है कैसे आड़े आता है इश्क के, और कैसे ये दोनों उससे निजात पाते हैं और इश्क की तरफ चलते हैं। सर, ऑल योर फिल्म्स इन द पास्ट हैड मे बी वेरी क्लास, वेयर डू गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू नो, एनी बुक और एनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन? यू नो, आई मीन यू हैव टू कीप थिंकिंग एंड कीप, आई मीन यू नो, इसी के तो खाते हैं, तो मतलब ये कहानीकार हैं आप और आपको कहानियाँ दिखती हैं। कहानीकार क्या होता है, जो जिंदगी में जो हर चीज़ डिसकनेक्टेड सी होती है, इधर उधर होती है, उसको आप पिरोते हो, कैसे उसको एक कहानी में पिरो देते हो ताकि उसके एक उसमें एक जो ज़िंदगी में जो कोहेजन नहीं है, जो समझ नहीं है और बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, उसको कैसे आप पिरोते हो एक में और एक कहानी बनाते हो, कुछ पात्र के ज़रिए आप एक कहानी सुनाते हो। मुझे पसंद है आज के ज़माने की कहानियाँ सुनना, और मुझे अच्छा है कि दर्शक आजकल सुनना चाहते हैं औरतों की। एक ज़माने में जिस तरह की औरतें मैं दिखाता था अपनी फिल्मों में, तो सारे लोग कहते अरे ये तो चरित्रहीन लोग हैं, लड़कियाँ हैं। तो आज की मॉडर्न लड़कियाँ जो हैं, जो बुरा करने से घबराती नहीं हैं, अगर उन पर अगर आप जुल्म करें तो, जो आज़ाद हैं, जो आपकी नहीं हैं पूरी तरह से, अपनी हैं, आपके साथ होते हुए भी अलग हैं, उस तरह की जो औरतें हैं, जो नहीं तो एक हीरो जो होता है, हीरोइन जो थी वो एक हमेशा हीरो के अधीन रहती थी, उसके आगे पीछे उससे विरह में रोती थी। तो अब ये रोती रोने वाली लड़कियां नहीं हैं, तो अगर आप उस तरह की रोने वोने वाली लड़कियां और उस तरह से अधीन लड़कियां, घबराई हुई, लजाई हुई, जो आदमियों का इंतज़ार कर रही हैं उनको बचाने के लिए, वैसी लड़कियों की फिल्में देखना चाहते हैं तो मत देखिए मेरी फिल्म, क्योंकि आपको मिलेगी नहीं।
सर व्हाट अबाउट व्हाट द फिल्म अवार्ड्स हैपनिंग और जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें फिल्म जाते हैं यू नो रिकॉग्निशन आपके आपके हिसाब से क्रिएटिव पर्सन व्हाट इज द सक्सेस फॉर क्रिएटिव पर्सन क्रिएटिव पर्सन का सक्सेस है जब लोग सराहते हैं उसको मतलब चाहे फेस्टिवल में हो चाहे जहाँ पे हो उधर एक ऑडियंस मिलती है अगर लोगों से आप कनेक्ट करते हो लोगों से अब मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब जमशेदपुर जगदलपुर जबलपुर कहीं पे भी एक लड़का लड़की जो मुझे नहीं जानता वो फिल्म पसंद करे उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ समझ बढ़े कुछ इंजॉय करे कुछ दो घंटे उसके अच्छे बीते उनसे मेरा एक कनेक्शन बने मुझे तो वो ज़्यादा वो असल चीज़ है बाकी सब जो है वो ज़रूरी है लेकिन असल चीज जो है वो कनेक्शन है ऑडियंस सर लास्टली आस्किंग यू नो बीइंग अ फिल्म मेकर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क वेरी चैलेंजिंग है सर लेकिन अपना इमेज को बांधे रखना यू नो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूज सम रियल न्यूज सम फेक न्यूज तो वो कितना डिफिकल्ट होता फॉर अ सेलिब्रिटी एज सच फॉर अ क्रिएटिव पर्सन मुझे नहीं होता मैं तो आज़ाद किस्म का पंछी हूँ और मैं जो मन में आता है वो कहता हूँ ज़्यादातर कभी कभी छुपा भी देता हूँ क्योंकि इस दुनिया में रहता हूँ तो हर चीज़ नहीं कहता जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कह लेता हूँ और मुझे मैं सेलिब्रिटी होने में मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं है मुझे फिल्मकार होने में इंटरेस्ट है कहानी सुनाने में इंटरेस्ट है क्रिएटिव होने में इंटरेस्ट है लोगों यंग लोगों से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके उनको अगर आप कुछ दे सको आप कुछ पास ऑन कर सको एक यंगर जनरेशन को उसमें इंटरेस्ट है बाकी कुछ नहीं ओके ओके बाय